कार्यक्रम प्रभावित हो जाते हैं उसमें, एक तो वातावरण बदल जाता है और पब्लिक प्रोग्राम्स के ऊपर भले ही संबंध नहीं है तो भी बहुत झंझटें शुरू हो जाती है, प्रतिबंध लग जाता है, बहुत सारे नियम कानून बदल जाते हैं। तो उसको टालने के लिए 3-4 राज्यों में अभी सितंबर माह में, जैसे आज उदयपुर के आसपास की जो यात्रा हुई उसका समापन आज हो रहा है, तो जो चित्तौड़ प्रांत है हमारे दृष्टि से, हमने राजस्थान के 3 प्रांत बनाए, जोधपुर, चित्तौड़ और जयपुर, तो संपूर्ण राजस्थान में, यह थोड़ा मध्य प्रदेश है वहां पर भी ऐसे ही थोड़ा सा विषय हुआ है, बाकी शेष राज्यों में 30 सितंबर को प्रारंभ होगा, क्योंकि यह दिक्कत वहां नहीं आई। एक बड़ा सवाल यह है, देश में कोई भी वातावरण भी खराब होता है और बिना बात के कोई ऐसा नेता हाईलाइट हो जाता है जिसका जमीन पर कोई वजूद नहीं है, इस बारे में। देखिए अभी हाल ही में तो जो किया है वो डीएम के जो स्टालिन है उनके बेटे ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया और हिंदू समाज को अपमानित करने वाला स्टेटमेंट उन्होंने दिया, तो कई जगह पर उनकर केसेस भी हुई है और समाज में भी बहुत तीव्र प्रतिक्रिया आई है। वैसे तो सर्वाधिक मंदिर देश में तमिलनाडु में है और दुर्भाग्य से इस विचार के लोग तमिलनाडु में सत्ता में बैठे हुए हैं, तो सत्ताधारी पक्ष है वहां का। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये जागरण समाज में होने की आवश्यकता है कि कैसे लोगों को हम सत्ता में बैठाएंगे, हिंदू हित के विरुद्ध जो विचार करेगा इसमें सत्ता में बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू हित ही देश का हित है ये मानने वाले हम है और यही वातावरण बने यह भी हम चाहते हैं। विश्व हिंदू परिषद का राजनीति से तो संबंध नहीं है, किंतु एक जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार संगठन करके हिंदू हित के विरोध में जाने वाली बातें इस देश में नहीं होनी चाहिए, यह हमारी पक्की मान्यता है और उसके लिए एक वातावरण बनाने का कार्य हम वहां पर करेंगे। और तमिलनाडु के लोगों ने भी यह सोचना चाहिए कि कैसे लोगों को हम सत्ता में बैठाएंगे, तमिलनाडु के लोगों को भी सोचने का विषय बन गया। ये विरोध जो हुआ ना ये पब्लिक की ओर से तो हुआ है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की ओर से डायरेक्ट क्या? बहुत जगह हुए, सारे प्रांतों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है और सैकड़ों सैकड़ों संतों ने प्रत्यक्ष प्रतिक्रियाएं दी है, जिसका बहुत बड़ा परिणाम है क्योंकि हर एक की अपनी एक शिष्य वर्ग है, बहुत बड़ा अपना प्रभाव क्षेत्र है, अनेक जगह पर केसेस हुई है पूरे देश भर में और एक बहुत बड़ा जागरण का अभियान तमिलनाडु में चल रहा है अभी, क्योंकि वहां लोकलाइज्ड है, वो जगह समझ नहीं पाए तो सोशल मीडिया और इसके कारण से ज्यादा देश में पता चला, नहीं तो डीएमके की जो चिंतन है जो पार्टी है वह तो इसी तरह का यानी बकवास मैं कहूंगा कि 50-60 सालों से करते आ रहे कम्युनिस्ट विचारधारा मूलता उसके मूल में जो किसी धर्म को ही मानते नहीं। मैं कहना चाह रहा था कि अगर परिषद वीर को डायरेक्ट अगर कानूनी कार्रवाई करती है तो उसका इंपैक्ट चला जाता है सनातन लोगों के लिए, जैसा मैंने कहा कई जगह में केसेस हुई है और केसेस हुए तो उसका ये भी होगा कोई ना कोई असर होगा निश्चित रूप से, वो से मुद्दे पर खुल के सामने नहीं आती विषय रूप से ऐसा ही नहीं क्यों? मैंने कहा ना सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है सब जगह पर, सब जगह पर हुई है। अभी आप लोग मैं जो कह रहा हूँ छाप दो तो विश्व हिंदू परिषद सामने आ जाएगी, आप लोगों के हाथ में है ना। मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति की बात की आपने, तो आपके पास क्या प्लान है इसके बारे में? ट्रस्ट बनेगा? देखिए अभी कर्नाटक सरकार ने घोषित किया था कि सारे मंदिर वो हिंदू समाज को सौंपेंगे और वैसा ही अभी मध्य प्रदेश सरकार ने भी घोषित किया है। सबके सामने चुनौती यह है कि कौन स्वीकारेगा ये मंदिर, क्योंकि उत्तर भारत के तो प्रांतों में बहुत कम मात्रा में सरकारी नियंत्रण में है, यहाँ पर भी है मगर कम मात्रा में, मगर दक्षिण भारत में एक एक राज्य में 30-30, 40-40 हजार मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। तो
हमने उसका मॉड्यूल बनाया हुआ है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकील, कुछ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसेस रिटायर्ड, बाद में कुछ संत और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, ऐसे बैठकर एक थिंक टैंक बना हुआ है। कर्नाटक में वो अवसर नहीं मिला, इलेक्शन के रिजल्ट जैसे आए तो कहां ना कहां एक प्रयोग होने की आवश्यकता है। अभी ये हजारों मंदिर कैसे स्वीकारे जाएंगे, और हम यह दो प्रकार की बातें चाहते हैं कि हिंदू धन का उपयोग हिंदू काम के लिए होना चाहिए, क्योंकि भक्तों ने मंदिर में दान दिया है, तो अहिंदू कामों के लिए नहीं होना चाहिए, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए होना चाहिए। और दूसरी बात है कि समाज के हर वर्ग की सहभागिता मंदिरों के संचालन में होनी चाहिए। ये दो बातें बहुत बड़ी विषय है। तीसरा विषय इसके साथ में जो ध्यान देने का है, तो पुनः पाला यानी कोर्ट या सरकार के पाले में चला जाएगा विषय, कि हमको डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यानी कोई झंझटें होती है, विवाद होते हैं, उसको कैसा सुलझाएंगे, इसकी एक यंत्रणा देनी पड़ेगी। तो ये तीनों बातें सोचकर कुछ मॉडल बना हुआ है, तो किसी एक राज्य में उसका प्रयोग जब होगा तो उसमें क्या, क्योंकि इसको पब्लिक डोमेन में रखना पड़ेगा, क्योंकि समाज को संभालना तो समाज के इसके बारे में कुछ मत होंगे, और सेवा के कार्य, धर्म के प्रचार के कार्य, ये सारे विषय इसमें रहेंगे। तो सरकार ने इसको नियंत्रित किसी भी तरीके से नहीं करना। हाँ, जो कानून है वो तो कानून अपना काम करेगा, जैसे सभी जीवन के अंगों के ऊपर करता है, किंतु सरकार या कोर्ट मंदिरों को नहीं चलाएगा, ये इसका मूल उद्देश्य। तो एमपी में ये मॉड्यूल शुरू हो सकता था बीजेपी की सरकार।